ओ, शुक्रिया जाने मन, बहुत बढ़िया। और मैं तुम्हें ये देना चाहती हूँ। मुझे यकीन है तुम्हें ऐसा गिफ्ट पहले कभी नहीं मिला होगा। बहुत बढ़िया, जरा देखूं तो ये है क्या? तो तुम्हें पसंद आया क्या? इसे ढूंढने में काफी टाइम लगा। वैसे ये है क्या? हाँ, ऐसा लगता है तुमने बाजू में पड़ा कोयला मुझे पैक करके दे दिया है। हाँ? चलो कोई बात नहीं, जो भी है सब बढ़िया है। हाँ, कम ऑन, कोई बात नहीं, मेरे पास एक और गिफ्ट है। ये अच्छा है ना? देखो ये वाह, ऐसा बिल्कुल मत करना। अरे ये क्या हो रहा है? मेरी आँख बुझ रही है, ये तुमने क्या कर दिया ईवा? अरे अरे नहीं, ये मैंने क्या कर दिया? अब तुम कैसे हो? अब ठीक है, ठीक लग रहा है। ईवा, ये क्या किया तुमने अभी? दिन भर दिन बेवकूफ होती जा रही हो। हाय दोस्तों, मैं आ गई। आई सी टीना, बहुत दिन हो गए तुम्हें मिले हुए। अरे अब ये क्या हो गया? ईवा, ये तुमने क्या कर दिया? तुम्हें पता भी है बेचारी पानी पानी हो गई। अरे बेचारी टीना, क्या हो गया इसके साथ? अब ये तो तालाब बन गई। अरे कुछ करो जैक, जल्दी मेरे लिए कुछ बर्फ ले आओ, ईवा हमेशा सब बर्बाद कर देती है। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ है। हाँ वैसे भी बेहतर है मैं घर चली जाऊँ, आज पक्का मेरा दिन नहीं है, फिर मिलेंगे तो भाई। तुम इसे नहीं बच पाओगी। अरे खैर, मैंने पक्का जगह को मसालेदार बना दिया। आहा, मेरी तड़कती भड़कती बेटी आ गई, आ जाओ बेटा डिनर करते, भूख लग गई। पापा प्लीज, मैं पूरी तरह जल चुकी हूँ। अरे भूल गई क्या, मेहमान आए हुए हैं घर में। कौन मेहमान? ईवा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? हमारे परिवार की तुम्हें बिल्कुल भी चिंता नहीं है। पापा मुझ पर चिल्लाना बंद करो, मैं बच्ची नहीं हूँ और मैं आपके पुराने दोस्तों के साथ बैठना नहीं चाहती। अब बहुत हो गया, अब घर से बाहर तुम कहीं नहीं जाओगी, समझ में आया तुम्हें? नहीं। मेरे प्यारे मेहमानों, आप लोग खाना क्यों नहीं खा रहे हैं? हालांकि ये थोड़ा तीखा है लेकिन ये बहुत टेस्टी है। मिसेस क्रिस्टी, मैं आपको अपसेट नहीं करना चाहता लेकिन हम असल में वाटर एलिमेंट हैं और हम इसी वजह से फायर फूड तो बिल्कुल भी नहीं खा सकते। ओफो, मैं भी कितनी मूर्ख हूँ, मैं ये कैसे भूल गई कि मेरे दोस्त एक अलग एलिमेंट है। गुड, ओह प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं अभी सब कुछ ठीक कर देती हूँ। मुझे खेद है कि मैंने आपको परेशान किया। उसकी चिंता मत कीजिए, होता है ऐसा। ओह अच्छा, फिर तो ठीक है, लो इसे ट्राई करके बताओ ना। यम्मी, मैंने ऐसी डिश कभी नहीं खाई है यार। अब आखिर वो क्या था? ऐसा लगा मानो कोई बम फट गया। आप लोग यहीं पर बैठो, मैं अभी चेक करके आती हूँ। हाँ, उनके पास किस तरह का पानी है यार, मैं रोक नहीं सकता, अब बहुत जोर से लगी है। बेटा लेकिन बाथरूम तो पहले फ्लोर पर है। अरे बेटा देखो, मुझे माफ कर दो, मैं बेफालतू गुस्सा कर गया तुम पर। नहीं, ये मेरी गलती है डैडी, जैसा आपने मुझसे कहा था मुझे मेहमानों को ज्वाइन करना चाहिए था। तुम लोगों ने ये सब यहाँ पर क्या कर दिया है? अरे कुछ नहीं, बस हल्की सी बहस हो गई थी। माँ, ये मेरी गलती नहीं कि मैं पापा की तरह गुस्सेल हूँ। मेरी बेटी बहुत तेज हो गई है। चलो ये गंदगी जल्दी साफ करो और बाहर आओ, हमारे घर में बाहर मेहमान बैठे हुए हैं। ठीक है माँ, मैं अभी बाथरूम जाती हूँ, मुझे ठंडा होना है। बड़ी मुश्किल से हुआ। ओह मेरी बिल्लो रानी, क्या कर रही है? तुम कौन हो और तुम्हारी पैंट में क्या है? समझा नहीं। तेरा बल हो जाए, चड्डे में देख लिया मेरे को। अब देख लिया तो क्या करूँ। मेरे बाथरूम में किसी सुंदर लड़की का आना कोई नॉर्मल बात नहीं है। यार मैंने सोचा नहीं था इतनी खतरनाक कड़क कांटा पीस लड़की देखने को मिलेगी मुझे। ओ, मैं ईवा हूँ, फायर एलिमेंट। मैं क्रिस हूँ, एक वाटर एलिमेंट। ओ, मैं भूल गई,
मैं यहाँ आई क्यों थी? लगता है मेरे तीखे दिल ने ही ये करवाया होगा। ईवा, बेटा क्या हो रहा है यहाँ पे? और ये छुछुंदर कौन है? ओ मिस्टर हैरी, मुझे बाथरूम यूज करना था और ये यहाँ खड़ी थी। मेरा मतलब है इसका उल्टा, बिल्कुल रैंडम है इसका यार। तुमको देख के समझा नहीं पा रहा हूँ यार। अच्छा ईवा, मैंने कहा था ना मेहमान से मिलना है, लेकिन बाथरूम के पास कौन मिलता है? चलो उधर बैठ के बात करते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आप ये खाना जरूर एंजॉय करेंगे। वाओ, ये सब पकाया किसने? मेरी बेटी ईवा ने। आपकी बेटी तो कमाल की है। ओ माफ करना, ये एक एक्सीडेंट था। ईवा हद है, तुमसे एक काम ढंग से नहीं हो रहा है। क्या हो गया तुम्हें आजकल? पापा, मेहमानों के सामने मुझ पर चिल्लाना बंद करो, ये शर्मनाक है। ईवा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये कोई तरीका है बाप से बात करने का? हैरी, चुप हो जाओ वरना उसे गुस्सा आ जाएगा। तो मैं क्या करूं? सबके सामने बेइज्जती करके इसने हद पार कर दिया आज। आखिरी बार माफी मांगना चाहता था। आप लोग कुर्सी का सहारा लेकर यहाँ से निकल जाइए। मुझे माफ कर दो, प्लीज प्लीज माफ कर दो। पापा, आप ठीक है क्या? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हारा शुक्रिया। पापा, माँ, कुछ भी बोलना मत। छोटी छोटी बात पर कोई आग लगाता है? माफ कर दो, पता नहीं मुझे क्या हो गया था। लगता है मैं और पापा तुम्हारे लिए बुरे पेरेंट्स हैं, तभी तो तुम हमें ये दिन दिखा रही हो। I'm sorry, अब मेरी वजह से हमारे पास घर नहीं है। अच्छा आप रोना बंद कीजिए, मेरी बात सुनिए। आप चाहे तो हमारे घर पे भी आ सकते हैं। आइडिया तो अच्छा है, बस हमारे पास एक वाटर हाउस है। हाँ हाँ चलेगा चलेगा, फुटपाथ पे नहीं सो सकते ना सलमान भाई। अच्छा ठीक है, तो चलिए अब कार में चलते हैं, आ जाइए। धन्यवाद। तो हम पहुँच गए, इसे अपना ही घर समझिएगा। लेकिन कैसे, हर जगह पानी ही पानी है। क्योंकि हम वाटर एलिमेंट हैं, तुम्हें और क्या उम्मीद थी? ओह हाँ, राइट राइट। ये मेरा फेवरेट एंटरटेनमेंट है यार, मजा आ गया ये। हाँ लगता है काफी मजेदार है। आपको घर अच्छा नहीं लगा? अरे नहीं नहीं नहीं, ये बहुत ही कमाल की जगह है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। बस हमने कभी ऐसा पानी को छूते हुते नहीं है ना अपन। इसे अपना ही घर समझो, हमें परेशान नहीं करेंगे। इधर आओ मेरी बात सुनो, हम लोगों को भूख भूख कर कदम रखना होगा, ठीक है? पानी को बिल्कुल छूना नहीं, नहीं तो गए हम लोग। ईवा, मुसीबत के समय में काम आने वाले वो कोयले तो तुमने रख लिए थे ना? अरे मैं भूल ही गई, मेरे पास बस ये फायर बॉल्स हैं। हम लोग बहुत लकी हैं कि हमारे ऐसे दोस्त हैं। लेकिन मम्मी पापा, आप उनके दोस्त कैसे बने? वे तो वाटर एलिमेंट है। अरे अलग एलिमेंट होने से दोस्ती थोड़ी कमजोर होती है, तुम भी तो आईसी टीना की दोस्त हो ना? ओ हाँ हाँ, ये सब बातें बाद में, मेन बात अभी ये है कि पानी बिल्कुल नहीं छूना है, ठीक है? हाँ मैं समझ गई। अरे ओह, अब इसे क्या समझ में आ गया, ये जा कर रही है। अरे अब ये कहाँ चला गया? हे भगवान, मुझे इस घर में हर चीज छूने से डर लगता है, कहीं पानी ना गिर जाए कहीं से। ईवा, कहाँ हो गया बे? तुमने मुझे बहुत डरा दिया। अरे गलती हो गई, ऐसा ये क्या है बे? अरे नहीं, ये मेरी गलती है, मैं बहुत मूर्ख हूँ। अरे ईवा, तुम्हें अब से सावधान रहना होगा, तुमने मेरी माँ की फोटो लगभग जलाई दी है। हाँ माफ करना, वैसे वो है कहाँ? अरे वो मर गई। ओ क्या हुआ था उनको? फ्लेम नाम के एक पड़ोसी ने एक दिन आग लगा दी और माँ बचाव के लिए आई और बस, और वो बस बादल बन गई। ये भयानक है। पर मुझे पता है कि माँ हमेशा मेरे साथ ही है। अरे
मेरा मतलब, हेलो। अच्छा लगा कि वो यहाँ ही है, बिल्कुल मेरे साथ ही। अरे ईवा, क्या हम वॉक पर चलें? एक्चुअली क्रिस, मैंने जैक और टीना से मदद करने का वादा किया था, लेकिन मुझे लगता है वे मेरे बिना संभाल लेंगे। चलो चलते हैं। मैं तेरे को एक्वेरियम लेके जाऊंगा और फिर डॉल्फिनेरियम। क्रिस, मैं आग हूँ, पानी से दूर ही रहते हैं। चुंगी लग जाएगी तेरी, बता रहा हूँ। अच्छा तो बताओ, तुम दोनों का क्या चल रहा है? बाबा, मैं ईवा को अपना आस पड़ोस दिखाना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है, दिखा लिया उसको? अरे ये भी कोई पूछने की बात है, जाके दिखाओ उसको। बाबा आप बेस्ट हो। ये क्या है, जैक अभी तक नहीं आया। टीना, मैं यहाँ हूँ। तुम मोमबत्ती में क्यों बदल गए हो, कितना बोरिंग है। क्योंकि मुझे चीजें इसी तरह करना पसंद है। अभी इसका टाइम नहीं है, अभी हमें पार्टी के लिए कमरा सजाना है। मैं कुछ गुब्बारे लेकर आई हूँ। क्या यार, बोरिंग तो ये है। चलो अब ये सब यहाँ लटका दो। क्या ईवा अभी तक नहीं आई? नहीं, अपनी बकवास फैमिली के साथ कहीं पर बिजी होगी, उसे कॉल करते हैं। ये मुझे दे दो तुम, मैं इसे बेहतर करूंगी। हेलो ईवा, तुम कहाँ हो? देखो, बर्थडे बॉय और मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहे हैं। क्या तुम पागल हो? आखिर हुआ क्या? उसने कहा कि वो बिजी है और हमें उसके बिना स्टार्ट करना चाहिए। क्या बकवास है, ये सब मुझे पहले से ही पता था। कुछ भी हो, अपने बेस्ट फ्रेंड को उसके बर्थडे पर अकेला छोड़ना ठीक नहीं है। उम्मीद है कि वो पार्टी में आएगी, वरना केक और आतिशबाजी कौन करेगा। मुझे तो पहले से ही पता था कि ईवा के लिए मुझसे ज्यादा कोई और इम्पोर्टेंट है और वो उसी के साथ। सही बताऊं तो मैं सच में शर्मिंदा हूँ। मेरे साथ वॉक के लिए? नहीं, वो नहीं, मैंने पापा से झूठ बोला और कहा कि हम पड़ोस देखने जा रहे हैं और समझी ना। हाँ, इसे पड़ोस का देखना माना जा सकता है, दरअसल ये और भी बेहतर है। ओ, देखो वो हॉट डॉग है वहाँ पे, तुम भी काफी हॉट हो, बताओ तो। हाँ, अगर ये मजाक है तो बहुत बुरा है। अरे मेरा वो मतलब थोड़ी था, बस पता नहीं मेरी बुद्धि भटक गई थी। क्रिस, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई हूँ। हाँ, जरा हमें छत देने के लिए शुक्रिया। वाओ, ये एक बढ़िया घड़ी है यार। हाँ, ये जादुई वॉच है, अगर कुछ भी होता है तो बस बोलना बर्निंग वॉच बूम। ऐसे बर्निंग वॉच? अभी नहीं, ये सही टाइम नहीं है, ये इमरजेंसी के लिए है। हेलो क्रिस, तुम कैसे हो? बहुत दिनों बाद तुम्हें देखा। क्या कर रही हो? सावधान रहो। तुम हो कौन? ये मेरी दोस्त ईवा है और ये एलिस है, मेरी दोस्त है ये भी। मुझे लगा सिर्फ मैं और तुम है। मेरा भी वही क्वेश्चन है। वैसे मेरा सोचा कि हम एक साथ मूवी देखने जाएं तो ज्यादा मजा आ जाएगा सब मिलके। ठीक है, अभी नहीं। तुम पागल हो, तुम आज से दोस्ती कैसे कर सकते हो? एलिस प्लीज, सब ठीक है। तुम दोनों अलग एलिमेंट हो, इस बारे में मत भूलना। कैसे हो? बहुत दिनों बाद तुम्हें देखा। एलिस प्लीज, और अब सब ठीक है, बैठ जाओ। मैं कभी मूवी देखने नहीं आई। सचमुच? क्यों? पता नहीं, मेरे पेरेंट्स मुझे कभी यहाँ लाए नहीं, पता नहीं क्यों। अरे ये क्या है? वाओ, क्या तुम अंधेरे में भी चमकती हो? अभी नहीं। अच्छा, अच्छा है कि मेरे पास ये हमेशा रहता है, लेकिन इससे कुछ होगा नहीं। यहाँ से चली जाओ, हमें डिस्टर्ब कर रही हो, मेरा दिमाग खराब हो गया है। मुझे जाना ही नहीं चाहिए था, मेरे जैसे फायर एलिमेंट के लिए ये शर्म की बात है। अब समझ आया कि मैं सिनेमा क्यों नहीं गई। तेरी, हे वाह, काफी टाइम बाद मिले हम, है ना? टाइलर, अभी नहीं प्लीज, मैं बिजी हूँ। अरे देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया हूँ। ये क्या है? देखो, मैंने ये फूल खास तुम्हारे लिए उगाए हैं। बकवास, क्या तुम पागल हो? अरे वाह, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। टाइलर सॉरी, लेकिन एलिमेंट्स को मिक्स नहीं किया जा सकता, इसलिए बाय।
वो आखिरी स्ट्रॉ थी। बस रुको, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, वरना मैं सिनेमा हॉल को जला दूंगी और सब खत्म हो जाएगा। ईवा, तुम चली गए को आई यार, कोई दिक्कत हो गई? क्रिस, मैं यहाँ नहीं रुकना चाहती, मैं जाना चाहती हूँ। नहीं सुनो, मैं तुम्हें सचमुच पसंद करता हूँ और तुम्हारे साथ डेट पे जाना चाहता हूँ। मैंने एलिस को भी आने के लिए बोला था कि मैं तुम्हें बताने से डरू ना। क्या तुम सीरियस हो क्रिस? डिफरेंट एलिमेंट एक साथ नहीं रह सकते। मैंने अभी अर्थ एलिमेंट को छोड़ा है। मुझे इस पे यकीन नहीं है। अगर प्यार सच्चा है तो कुछ भी पॉसिबल है यार। लेकिन मुझे नहीं पता, मुझे अपने पेरेंट्स से बात करनी होगी। और हम ये भी करेंगे। जानू रोना बंद करो, हम लोग अपना प्यारा सा घर दोबारा बना लेंगे। ये कैसा दुर्भाग्य हमारे साथ चल रहा है। कहाँ तो हम कैफे खोलने वाले थे और आज हमारे पास घर भी नहीं है। चिंता मत करो, हम लोग अपनी पूरी जान लगा देंगे, अपने सपने को पूरा जरूर करेंगे हम। हाय मम्मी पापा। ओ, तुम लोग इतनी जल्दी लौट कर आ गए, अरे मजे तो किए ना। मिस्टर हैरी, मिसेस क्रिस्टी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपकी बेटी मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, उसको डेट पे ले जाना चाहता हूँ। पागल हो गया क्या? दिमाग खराब है क्या? बोला ये छुजंदर? ये नामुमकिन है, वो आग है और तुम पानी। अबे मेरे बेटा, क्या बकलोली चल रही है यहाँ पर? तुम्हारा बेटा मेरी बेटी को पटाने की कोशिश कर रहा है। ये सब तुम्हारी गलती है, तुमने एक साथ उन्हें घूमने क्यों दिया? चल बता मेरे को, क्या लोग सच बोल रहे हैं? अबे तू पागल हो गया है, दिमाग का ढीला नट भी खो दिया क्या? एलिमेंट्स मिक्स नहीं हो सकते। मैंने तुम्हें कहा था ना। हाँ, पानी में भीगे हुए मूर्ख हो तुम। मेरे घर से तुम सभी निकलते हो क्या? अभी निकालू? कम ऑन, तुमने यहाँ मुझे रोक कर बहुत बड़ी गलती कर दी। भागो साला, पानी ना मार दे। अरे पापा, आग बुझाओ। तू आगे से युवा से बात करता हो, नजर नहीं आना चाहिए, समझा? उसके परिवार देखा है तुम, कथा है। पापा मुझसे प्यार करता हूँ। मुझे घंटे फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारी वजह से हम सभी की बेइज्जती हो रही है। चलो अब रूम में जाओ। टीना, भयानक, ये भयानक है, ये सुन के तुम सचमुच बेहोश हो जाओगी। हाँ चलो आगे बढ़ो और बताओ मुझे कि ऐसा क्या हुआ कि तुम जैक की पार्टी की तैयारी में नहीं आई। सबसे पहले मुझे किसी से और किसी को मुझसे प्यार हो गया। क्या? अरे नहीं, ये बकवास है, क्या मैं उसे जानती हूँ? मुझे पता है खबर बहुत गर्म है, लेकिन तुमने उसे कभी नहीं देखा। मेरा क्रश, मेरा वाटर एलिमेंट। ईवा, क्या तुम पागल हो? ये रूल्स के खिलाफ है, तुम फायर एलिमेंट हो ईवा। मैं क्या कर सकती हूँ, यही प्यार है। हाँ लो लो, इसका 71वां पेज खोलो और इसमें 11वीं लाइन पढ़ो। हाँ, और आग से पानी भाप बन जाता है और भाप के अलावा पानी में कुछ भी नहीं बचता। देखा, मुझे पता था, लेकिन मैं कोशिश करना चाहती हूँ, शायद वो अलग होगा और भाप नहीं बनेगा। तुम भी तो पानी से बनी हो और मेरी दोस्त हो। नहीं, बहुत हुआ, दोस्ती अलग बात है लेकिन प्यार दूसरी बात है। पता है क्या, मुझे लड़का दिखाओ। देखो। अरे वाह, कितना क्यूट है। क्या कहा तुमने? हाँ सुनो, ये लड़का बेवकूफ है, उसे भूल जाओ, मैं जा रही हूँ, कुछ काम है। हाँ, मैं भी आ सकती हूँ क्या? नहीं, अच्छा होगा तुम यहाँ रखे मेडिटेशन करो। अरे यार, मैं फायर एलिमेंट क्यों हूँ, वाटर क्यों नहीं हूँ? फिर मेरे और क्रिस के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, मैं घर जाऊंगी, यहाँ अकेलापन है। हे भगवान, आग लगने के बाद अब ये गैराज ही बचा है। अब चिंता मत करो, ये समय भी निकल जाएगा। रुको, कुछ तो गड़बड़ है, ये ईवा कहाँ है? देखो मुझे गुस्सा आने वाला है। पता नहीं, वो 2 घंटे पहले भजिया लेने गई थी पर अभी तक आई नहीं है। तुम ठीक तो हो ना? अगर वो फिर से उस मूर्ख क्रिस के साथ चली गई तो? माँ पापा, मैं आ गई, मैं बस दुकान तक और टीना से मिलने गई थी। मुझे लगा तुम क्रिस के साथ भजिया तलने तो नहीं बैठ गई। माँ पापा, मैंने तय कर लिया है कि मैं क्रिस को डेट करूंगी, चाहे आप इस बारे में कुछ भी सोचे। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? अगर तुम्हारे पास कुछ काम नहीं है तो पकड़ो झाड़ू, सफाई करो। माँ आप नहीं समझती, आप पापा से प्यार करती हो और आपने उनसे शादी की, ये सच्चा प्यार है। ईवा, तुम्हारी माँ और मैं एक ही एलिमेंट है, लेकिन तुम दोनों बहुत ही ऑपोजिट एलिमेंट हो। लेकिन मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और उसके साथ ही रहना चाहती हूँ।
हाँ तो जाकर टीना को ये बात बताओ ना, देखना वो भी यही कहेगी कि तुम्हारी ये चॉइस बिल्कुल सही नहीं है। मैंने पहले ही बता दिया आप लोग गलत है, वो टीना मेरे लिए खुश है, आप लोगों की तरह नहीं। अरे अरे बेटा ईवा रोना बंद करो। अरे ईवा तुम तो ऐसे पहले कभी भी नहीं रोई मेरी प्यारी बच्ची, क्या तुम सचमुच में क्रिस से इतना प्यार करती हो? अरे चुप कर यार, जब बोल रहा हूँ पानी और आग मिल नहीं सकते तो समझ में नहीं आ रहा है? चुपचाप पोछा उठाओ और पूरा कमरा साफ करो अब भी क्या भी। एलिस मैं क्या करूँ अब यार, मैं तंग आ चुकी हूँ, उसके लिए रोना बंद करो, और वो अजीब सी है और वो आग है। तू समझी नहीं वैसे डांग, कभी किसी से प्यार किया हो तो समझे ना तू। थोड़ा होश में आओ, तुम्हें उससे अच्छी लड़की मिल जाएगी। ये कौन वो सीर है, इससे पहले तो कभी देखा नहीं मैंने। वही लड़की है जो तुमसे मैच करती है। हाय मैं हूँ टीना, तुम जैसे क्यूट लड़के को देखा तो खुद को यहाँ आने से रोक नहीं पाई। अरे ये मेरा गाल जम रहा है यार। लगते तुम दोनों को अकेले छोड़ना पड़ेगा, मजे करो। ओह मैं नहीं जाता, मैं तू कौन है, असल में जाना भी नहीं चाहता। ओह क्रिस क्या तुम अच्छी लड़की के साथ डेट नहीं करना चाहते हो? तेरे को मेरा नाम कैसे पता बे? ओ, मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ, हम शायद वाटर पार्टी में साथ चल सकते हैं। नहीं मैं कहीं नहीं जाऊँगा, जिसकी मुझे जरूरत है वो ईवा है, भले ही वो फायर क्यों ना हो मैं उसे पीआर करता हूँ। अरे मूर्ख मत बनो, तुम्हें फायर क्यों चाहिए जब आइस मिल सकती है? देखो हम एक ही वाटर एलिमेंट है तो हमें साथ भी रहना चाहिए। मैम तेरी ट्रिक्स काम नहीं करेंगी, मुझे अकेला छोड़ दे, मुझे ईवा से प्यार है, किसी की जरूरत नहीं, मुझे समझ गई। टीना हाय, मैंने सब कुछ सुना, तुम लोग खूबसूरत कपल बनोगे। मुझे डर है ऐसा नहीं हो पाएगा। सुनो तुम्हें उसके पापा मिस्टर नेट से बात करनी होगी, उनकी मदद से सारा काम बन जाएगा। बिल्कुल मुझे एड्रेस दो। इसे कहते हैं कमाल की जिंदगी, मुझे अब कोई डर भी नहीं है कि मेरा घर जल के खाक हो जाएगा। हेलो क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ? तुम अंदर कैसे आई? मैं हूँ टीना, मुझे आपके बेटे क्रिस के बारे में बात करनी थी। एक काम करो तुम जाके किचन में बैठो, मैं अभी आता हूँ कपड़े पहन के। अच्छा चलो बताओ मुझे तुम मेरे घर में जबरदस्ती घुस के क्यों आ गई हो? मिस्टर नेट असल में मैं आपके बेटे को डेट करना चाहती हूँ। इसमें बड़ा मैं क्या कर सकता हूँ? हाँ माना कि तुम एक फायर एलिमेंट नहीं हो तो ये बढ़िया रहेगा, लेकिन क्रिस से जाके बात करो। वो मुझे डेट नहीं करना चाहता, वो कहता है कि वो ईवा से प्यार करता है। क्या कहा? उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, वो अभी भी उसी के बारे में सोचता है। इससे ज्यादा कुछ नहीं, और आपके लिए एक गिफ्ट है। अब इसमें क्या दारू लाई हो? ये जादुई रेत है, मैं इसे लेकर आई हूँ सीधा समुद्र की सतह से। इसकी माँ की आँख, तुम्हें ये मिली कहाँ से? मैं इसे हर जगह ढूंढ रहा था, तुम्हें मिली कहाँ से? मैं कुछ समुद्री लोगों को जानती हूँ, कोई बड़ी बात नहीं। वाह मुझे तुम बहुत पसंद आई, मैं एक काम करता हूँ क्रिस को घर पे बुलाता हूँ, वो तुमसे आके बात करेगा, किंतु मैं उसे कैसे भी पटा नहीं होगा। वाह अच्छा हुआ कि बिल्ली का कूड़ा काम आ गया, और क्रिस के पापा का मानना था कि ये समुद्र की रेत थी। कम ऑन क्या खराबी है? ओह क्या खराबी है कनेक्शन में? क्रिस फोन उठाओ तुम। क्या तुमने क्रिस का नाम लिया? नहीं 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 माँ, आपने जैसा सोचा वैसा कुछ नहीं है। बेशरम माँ नहीं। जाओ अब जल्दी जाकर पापा की मदद करो। आज से सारे के सारे फोन बंद, समझा? वापस दे, ईवा मुझे कॉल करेगी यार। अब उसे भूल भी जा, उससे भी कंटास माल लेकर आया हूँ। हे क्रिस मुझे मिस करा? पापा ये बर्बाद ठंडी बर्फ घर में क्या कर रही है बे? टीना सच में बहुत ही अच्छी लड़की है, ये तुम्हारे लिए अच्छी रहेगी, तो मजे करना। मेरे को तो बस ईवा से ही मिलना है। अरे क्रिस मेरे पास आओ, मैं तुम्हें परफीला किस करूंगी। मेरे से दूर है। क्या तुम कहीं जा रहे हो? तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम क्या खो रहे हो। हे भगवान मैं क्या करूँ क्या करूँ। अबे मेरे पास तो ईवा का गिफ्ट है, उसका कोड वर्ड क्या था? क्रिस मॉर्निंग वॉच बूम। ये क्या बकवास है, मैं पिघलना शुरू हो गई। सही है काम कर गया, ये बार मुझे बचा लिया। अरे अब फिर से कौन आ गया?
अरे मैं हूँ। क्रिस तुम आ गए, वाह। अरे मैं खुशी से चमक रही हूँ। मेरे को नहीं पता मैं क्या करूँ, मेरा बाप जलता है मेरे से। हाँ और मेरे पेरेंट्स भी, मैं उन्हें नहीं मना पाई। अरे रुको, अब हम करेंगे क्या? गले लग रहे हैं? अरे चिका हो गया। बिल्कुल भी भाप नहीं। क्रिस ये सब कैसे हो गया? इसका मतलब हम एक साथ रह सकते हैं? बिल्कुल, हमें बताना होगा हम एक साथ रह सकते हैं। रुको, मेरा बाप वो चाहता है कि मैं आईसी टीना को डेट करूं। यार भैंसकड़ा। क्या? टीना मेरी दोस्त है। आ, वो कैफे में मेरे पास आई, बिल्कुल चिपके ही जा रही थी, बिल्कुल अंग से अंग लगा के। बर्फीली बदमाश, उसने मुझसे झूठ बोला। अरे चिका कर रही, चिका कर रही, चिका कर रही। वो तो गई। टीना हमारा वहाँ जाना बिल्कुल ठीक नहीं है, और तुम करना क्या चाहती हो बताओ? मुझे नहीं पता, मुझे क्रिस के साथ कुछ बातें करनी है। और क्रिस कौन है? मेरा नया बॉयफ्रेंड। नहीं वो नहीं है, क्रिस मेरा बॉयफ्रेंड है। ओ एवा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुमसे निपटने आई हूँ और क्रिस का बदला लेने। कैसी बातें कर रही हो एवा, दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? जैक, ये धोखेबाज मेरा बॉयफ्रेंड चुराना चाहती थी। ये क्या बोल रही हो टीना, तुम ऐसे निकलोगी? मैंने सोचा भी नहीं था तुमने इसका बॉयफ्रेंड चुरा लिया। टीना तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? बुरा किया तुमने टीना। जो भी हो, क्रिस कभी तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। तुम आग हो जिसे वो बुझा देगा, ये शायद मैं ही कर दूं। लो अंजाम भुगतो। आग से खिलवाड़ करना खतरनाक है। हमेशा के लिए गायब। तुम्हारा काम खत्म हो गया आईसी। ईवा तुमने ये बेचारी टीना के साथ क्या किया? उसे बादल क्यों बनाया? अरे शांत हो जाओ, वो इधर उधर उड़ के वापस आ जाएगी। तुम बहुत पछताओगे, पहली बरसात के साथ सबक मिलेगा, मेरी बात याद रखना। अलविदा टीना। वाह गर्मी सच में बहुत ज्यादा थी। वो टीना इसे याद रखेगी। ईवा तुम कहाँ हो? तुम यहाँ पर हो, मुझे लगा तुम फिर से क्रिस के साथ हो। क्या ये सब करना जरूरी था? ये किस कूड़ेदान में लेके आ गया मैं? बात तो सुनो मेरी यार। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ से अभी के अभी निकल जाओ। हैरी जल्दी आओ यहाँ पर। माँ ऐसा मत करो। जानू तुमने बोला इमरजेंसी, क्या हो गया? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? निकलो यहाँ से, जला डालूंगा। बंद करो ये पागलपंती कहीं की। ईवा और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं, हम एक साथ रहना चाहते हैं। एक मिनट रुको, तुमने इसका हाथ कैसे पकड़ा हुआ है? तुम भाप क्यों नहीं बन रहे हो? क्योंकि पानी और आग रिलेशनशिप में हो सकते हैं, मैंने आपको बोला था। ये साला चल क्या रहा है, तो उसका मतलब ऐसा हो सकता है? तो फिर अब क्या करने वाले हैं? प्लीज हमें एक साथ रहने दो। इसका मतलब मैं भी लव मैरिज कर सकता था। बेटी माफ कर दो मुझे। ये बस तुम दोनों थोड़ा सा ध्यान रखना। तो चलो हम लोग सब पार्टी करते हैं और इस रिश्ते का जश्न मनाते हैं। बाप रे, क्रिस को ईवा मिल गई और टीना चली गई और मैं पहले की तरह अकेला रह गया। जैक चलो डांस करें। देखो मैं आग से बना हूँ, तुम जल जाओगी, बता रहा हूँ। क्रिस और ईवा एक साथ है और सब जिंदा है इसलिए। वाओ शानदार, हमारे बच्चे कितने खुश है ना। हाँ अच्छा हुआ हम लोगों ने अपना मन बदल लिया। जानती हो इन लोग की जोड़ी सबसे बेस्ट जोड़ी है, कसम से। इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन से एलिमेंट हो, और तुम्हारा प्यार सच्चा होना चाहिए। ये आईवा क्या मस्त पार्टी है। मैं जानता हूँ हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते, पर कोई बात नहीं। टाइलर तुम यहाँ भी मिल गए। हाँ बिल्कुल, और मैं तुम्हारे लिए तोहफा भी लाया हूँ। कहीं ये तुम्हारे बगल का फूल तो नहीं? उससे भी अच्छा, दो फूल। मुझे ऐसा कभी नहीं मिला यार। राहत की बात है कि हमें अपना रिश्ता छिपाने की जरूरत नहीं है। अब कोई मुझे तुमसे प्यार करने से नहीं रोकेगा। अच्छा वैसे ये बता टीना क्या है, वो कहाँ भाग गई गर्मजली? मैंने उसे छुट्टी भी भेज दिया बादलों के बीच, उसे घूमना पसंद है। अच्छा आइडिया है। देख रही चुम्मा चाटी। एलिस जैक तुम क्या? उप्स लगता है हम पकड़े गए। बढ़िया,
गेम चल लिया है? बिल्कुल। जैसे तुम लोग एक साथ हो गए तो हमने भी सोचा अकेले रह के क्या करें, और तुम भी कुछ बोलो ना। हम भी कोशिश करना चाहते हैं। हाँ। क्या बात है, हमारे शहर में दो मिक्स्ड एलिमेंट वाले कपल है कि नहीं? शायद हमें अर्थ एलिमेंट टाइलर को टीना के साथ मिलाने की जरूरत है, वे सच में परफेक्ट कपल होंगे। भगवान के लिए। आराम से, थोड़ा गिराओ विराओ मत, ठीक है? ठीक है। आह, इस पनियर मूर्ख को तो देखो जरा कैसे हंस रहा है, ऐसे तो कोई भी नहीं हंस सकता। ओ भैया, भैया शर्मा रहे हो क्या? आप बेस्ट हो। ये मेरी माँ थी और ये माँ है। अरे यार देखो ना, अच्छा, ये माँ है और ये देखो ये वाली। मुझे सबसे काट लिया यार, मैं दांत लगाए और ऐसे काट काट के। मैं तो सोच रहा हूँ फोटो की बजाई किसने, क्योंकि हमने फोटो निकाली ना। हाँ, तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ मैं। मैं तुम्हें एक बर्फी ले किस दूंगी। छोड़ मुझे, मुक्का मार दूंगा। अरे ओवर एक्टिंग कम कर। हाँ, से रहती हूँ।